आगामी लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। केंद्र कैबिनेट में स्वर्ण जातियों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि संविधान संशोधन के जरिए सरकार कोटा बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 तलाक और राम मंदिर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी और साफ कहा कि इन मुद्दों का हल आपसी सहमति से ही निकल सकता है। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार की विपक्षी महागठबंधन को लेकर विवादित बयान दिया है। इस पर राजद और कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है तो भाजपा ने बचाव किया है। इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बाद राष्ट्रीय जनता दल नीत महागठबंधन में सीट को लेकर चल रही खींचतान के बीच आज महागठबंधन के सभी दलों की बैठक बुलाई गई है। आज महागठबंधन के घटक कांग्रेस, रालोसपा, हम लोजद और वीआईपी के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में भाग लेंगे। बिहार के गोपालगंज में गुचाईकोट थाने के मठिया हाता गांव में सोमवार की सुबह करीब 7 बजे गोली मारकर चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने दोनों शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया है। हत्या के बाद गांव में तनाव व्याप्त है। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में बर्ड फ्लू की आशंका दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बर्ड फ्लू के कारण मोर और मुर्गियों की मौत के बीच अब बड़ी संख्या में कौवे की मौत, प्रशासन अलर्ट। बिहार झारखंड सीमा से सटे प्रखंड की बरमोड़िया पंचायत के मंजला डीह से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक एवं अन्य नक्सली सामान बरामद किया है। बिहार के जम्मू एवं झारखंड की गिरिडीह पुलिस समेत सीआरपीएफ द्वारा चलाई गई संयुक्त सर्च अभियान में पुलिस को यह सफलता मिली है। बिहार के नवादा में रजौली चेक पोस्ट पर शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार तस्कर सुबोध कुमार पुलिस को चकमा देकर फरार। नवादा एसपी हरि प्रसाद एस ने कैदी के भागने की पुष्टि की है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को खाली करना होगा अपना सरकारी बंगला। पटना हाईकोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया। इस संबंध में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई थी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक 2019 परीक्षा के लिए मूल एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। बोर्ड की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड 7 से 12 जनवरी के बीच उपलब्ध रहेगा।